जीवन की यह रीत जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक बार क्या होता है ना, पांच दोस्त एक साथ घूमने जा रहे हैं कॉलेज से, कॉलेज के समय में क्या होता है पैसे का अभाव रहता है, तो पांचों लोग बैठते हैं एक छोटे से टपरी में जाके कुछ खाने की सोचते, चल यार कुछ खा लेते हैं, समोसा अगर जो भी है उसको खा लेते, बैठे रहते हैं। तो एक बूढ़ी माँ आती है और बोलती है कि भगवान के नाम में मुझे कुछ दे दे। और क्योंकि वो बोलती है कि मैं पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाई, बहुत भूख लग रहा है, कुछ दे दो। बाकी लोग एकदम देखते रहते हैं, क्या दे क्या दे, चलो जाओ नहीं देंगे ऐसा। एक लड़का फिर अपनी पर्स निकालता है, पर्स निकालने के बाद देखता है कि कुछ पैसे है नहीं ज्यादा इसमें, तो वो सारी चीजें। अब क्या होता है, ठीक है काम करिए, आपको भूख लग रहा है आप कुछ खाएंगे ऐसे। देखो लड़का बोलते हैं, ये जो चारों लड़के रहते हैं बोलते हैं कि यार ये क्या कर रहा है तू, ये क्या कर रहा है, छोड़ रहे हैं 10 रुपए और चल भगा दे। उसको मन नहीं करता, क्या क्या पैसा तुम खिलाई दे। अब उस जो बूढ़ी माँ है उसको देखने में ऐसा लगता है कि वाकई में पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं खाई, पेट एकदम चिपका हुआ, चेहरा एकदम दब सजे गया रहता है भूख के मारे, आंखों के पास जुर्री, उम्र का लिहाज तो उम्र भी काफी हो जा रहती है, ये सारी चीजें होती हैं। अब फाइनली क्या होता है कि अब होता है कि पांचों लोग एक साथ बैठे हैं और वो बूढ़ी माँ अकेले में जाके दूर में बैठ जाती है जमीन पर। थोड़े देर बाद वो बूढ़ी माँ आती है और बोलती है कि काम करो बेटा, मेरे पास ये देखो चिल्लर है, मैंने जो मिला है मेरे को मंगने में, तो इसको ना जो भी मेरे को खिलाया है उसको जोड़ के दे देना। तो लड़के को बहुत बुरा लगता है, मतलब अजीब जैसे बोलते हैं काम करिए आप बैठे रहिए, शांति से बैठे रहिए, मैं दे दूंगा आपके चलो। वो जाके फिर उसी जगह जाके बैठ। अब इधर पांचों लोग चेयर में बैठे रहते हैं, वो अकेले बैठे रहते हैं। तो जो टपरी का जो मालिक होता है उसका जो बंदा रहता है जो छोटा सा काम करता है वहाँ, वो आता है सबको एक एक प्लेट नाश्ता देता है, फिर उसको भी देता है, वो जमीन में बैठ के खाते रहते हैं। अब वो लड़के को बुरा लगता है कि हम लोग पांचों लोग बैठे हैं सर, वो अकेले बैठे। तो उसके पास जाता है और बोलता है कि दादी मैं भी आपके साथ बैठ के खाऊँ। और ये पांचों लोग जो बैठे हैं चारों लोग, अब ये करता है, ये क्या कर रहा है बेवकूफी, क्या हो गया इसको, कैसे हरकत कर रहा है, पागल हो गया। लेकिन अब ऐसा सारा चीज क्योंकि पैसे की कमी होती है, ये चारों लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है लड़के के ऊपर, बहुत होशियारी दे रहे हैं ना, करेगा जितना पैसा दे। ये चारों लोग जाते हैं, एक लड़का जाके देता है चारों का पैसा एक साथ दे देता है, और उस लड़के का और उस दादी का जो उम्र हो जाता था, जो भीख मांगने आ रहे थे उसका पैसा नहीं देता। पता चलता है कि चारों को तो पैसा दे दिया, इन दोनों का नहीं दिया। लड़के को थोड़ा बुरा लगता है कि चाय की बोतल दी गई, पर्स निकाल के देखता है, पर्स में कुछ नहीं, लेकिन काफी समय पहले 50 रुपए उसको रखे रहते, काम आएगा कभी जीवन में, इसको यूज करूंगा। अब उसको निकाल के देता है, जाता है उस टपरी के मालिक के पास, तो निकाल कैसे ढूंढ के निकाल के दे रहा है। उसका मालिक को थोड़ा बुरा लगता है कि यार ठीक है बच्चा, इतना कम उम्र में ऐसा सोच रहे। तो बोलते हैं काम कर बेटा, तू जो पैसा दे रहा है ना रहन दे, इन लोग का तो पैसा ले लेता हूँ लेकिन तेरा और बूढ़ी माँ का पैसा नहीं लूंगा। और एक चीज बोलते हैं कि मेरे दुकान में ना ग्राहक तो काफी आते हैं, रोज आते हैं, नए नए लोग आते हैं, लेकिन इंसान सिर्फ कभी कभी आता है, कुछ बार आते हैं, तो पैसे को रखे रहे। और एक चीज तेरे से मैं सीखा हूं कि जीवन में कभी भी मेरे पास कोई आए जो बहुत भूखा है, वाकई में भूखे, वाकई में जिसको जरूरत है, उसको कुछ नहीं तो कम से कम एक प्लेट नाश्ता ही करा दो। तो और वो पैसा ना उस बूढ़ी माँ को और उस लड़के का पैसा उन्हें नहीं देता। तो इससे क्या सीखते, मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप इतने सक्षम हो कि आप किसी को मदद कर सकते तो बिल्कुल करें, क्योंकि भगवान ने आपको हर वो चीज दिया है जिससे आप बेहतर कर सकते। अगर आप किसी से श्रेष्ठ है, किसी से पैसे में ज्यादा है, तजुर्बे में ज्यादा है, तो मदद करें, इंसानियत बना रहे, अच्छा लगे तो शेयर। मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ। गॉड ब्लेस यू।